नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। कांग्रेस पर हमेशा से परिवारवाद के आरोप लगते रहते हैं और हर बार कांग्रेस उन्हें साबित करती रही है। कभी राहुल गांधी को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देने पर तो कभी कांग्रेस के बड़े नेताओं के अपने परिवार वालों को कुर्सी पर बैठा देने पर। आज जो खबर सामने आई है उससे एक बार फिर से साबित हो जाता है कि कांग्रेस के नेता कैसे सरकारी खजाने को अपने परिवार पर लुटा देते हैं। खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां पर कांग्रेस सरकार का एक फैसला अब उन्हीं के लिए जी का जंजाल बन गया है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कितना खर्च किया, ऑक्सीजन से कितनी मौतें हुई और तमाम सवाल करने वाली कांग्रेसी सरकारी खजाने का इस्तेमाल कहां करने वाली है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। छत्तीसगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज को राज्य सरकार द्वारा खरीदने के फैसले को लेकर बवाल मच गया है। कांग्रेस सरकार ने एक असामान्य फैसला लेते हुए कानून बनाकर एक ऐसे मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी जो वित्तीय रूप से लगभग दिवालिया हो चुका है। सबसे बड़ी बात तो ये कि मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दामाद के परिवार से जुड़ा है। इस कॉलेज के मालिकाना हक उस परिवार के पास है जिसमें भूपेश बघेल की बेटी की शादी हुई है। ये पूरा मामला है दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण को लेकर। इस कॉलेज का स्वामित्व चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल के पास है जो कि गैर सूचीबद्ध कंपनी है। इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन 1997 में किया गया था। निदेशक मंगल प्रसाद चंद्राकर और चंद्राकर समुदाय की मांग के बाद इस अस्पताल को और ज्यादा बेहतर बनाया गया। मंगल प्रसाद चंद्राकर इस अस्पताल के 5 शेयर्स के मालिक हैं। कुल 59 शेयर धारक इस हॉस्पिटल के हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ड्राफ्ट किए गए बिल में इस अस्पताल के अधिग्रहण की योजना है क्योंकि ये वित्तीय रूप से कमजोर हो चुका है। आपको बता दें कि एक अखबार के मुताबिक ड्राफ्ट को तैयार कर रहे अधिकारी भी असहज हो गए हैं क्योंकि सीएम भूपेश बघेल की बेटी दिव्या की शादी मंगल प्रसाद चंद्राकर के भतीजे से हुई है। क्षितिज के पिता विजय मंगल प्रसाद के छोटे भाई हैं और कांग्रेस में भी इसे लेकर अब विरोध के स्वर उठने लगे हैं। चंदूलाल चंद्राकर के बड़े भाई चुन्नीलाल चंद्राकर के पोते और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ज्वाइंट सेक्रेटरी अमित ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने दामाद को इस बिल के जरिए फायदा पहुंचाने की जुगत में है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने भी इसे लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा भूपेश बघेल अपने दामाद का निजी महाविद्यालय बचाने के लिए उसे सरकारी कोष से खरीदने की कोशिश में है। भले ही भूपेश बघेल इसे जनहित का फैसला बता रहे हैं लेकिन किस तरह से वो सरकारी खजाने से अपने दामाद का फायदा करना चाहते हैं ये बात सामने आ ही गई और इसे लेकर अब छत्तीसगढ़ में बवाल मच गया है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।